2024 के सीजन का पहला गेम बीच में मैच खेलते हुए गोमती नगर ग्राउंड 2 नंबर से कुणाल भाई नीचे चढ़ा रहे हैं, एक पेच काट चुके हैं और अपोजिट में है गुलाब काइट क्लब के मेंबर प्रदीप भाई की टीम, बढ़िया क्लब, पतंग को लंबे करते हुए। और ये देखिए, कहने को तो ये पतंग का ग्राउंड है लेकिन बढ़िया, एकदम बढ़िया मैच हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा डिस्टर्ब है। और देखिए कितने लोग बैठे हैं, ये हमारे लाल भाई आज हमारे और ये किसान भाई बहुत दिन बाद आए हैं। ये सब पुराने मेंबर और आज पुराने मेंबर के बीच में एक नए मेंबर आए, ये रहे हमारे केतन भाई। ये जिस जिस क्लब में गए वो क्लब बंद हो गया है, मतलब क्लब बंद हो गया इसलिए ये आए। यहाँ मिठाई लेके आएंगे इसलिए मिठाई लेकर आए। ये तो भाई आपके, आप जो पुराने क्लब छोड़े हैं वो बंद हो गए थे या फिर आपने करवा के आए? चले गए, ऊपर चले गए। हम लोग का नंबर लगाने आए क्या? अच्छा, तो भाई क्या पतंग उड़ाते हैं और खेल क्रिकेट रहे हैं? क्रिकेट ना खेला, क्रिकेट खेलना गंदी बात। नहीं नहीं नहीं, दोनों चीज, दोनों चीज खेलना चाहिए। ये देखिए आलमबाग के मेंबर हमारे, ये आलमबाग के मेंबर वहाँ मेन पे लड़ा रहे हैं यहाँ आलमबाग के। आज कई सालों बाद हम अपने किसान भाई को जी यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, गोमती नगर के मैदान में हम लोग छतों से लड़ाया करे, थोड़ा सेफ रहता है यार, गर्मी भी बहुत थी। कम से कम 3 साल बाद आज गोमती नगर के मैदान में आए, पहला गंगोवा लड़ा एवन का, आज देखते हम लोग शाम तक क्या क्या होता है। उधर गुलाब वाले, गुलाब वाले बहुत गर्म है। तो भाई देखते हैं क्या स्कोर रहेगा, और कुणाल भाई नीचे चढ़ा रहे हैं दूसरे पेज पे खींचते हुए, लेकिन कुणाल भाई कट गए। कोई स्कोर में आएगा तो उसकी वीडियो बनाते हैं जो 3 या 4 तक पहुंचेगा। और ये केतन भाई और लाल भाई, ये कुछ मतलब ले वे के नहीं आए? लेके पानी लाए भाई, पानी लेके आए, कड़वा पानी। पानी तो ऊपर, पानी तो ऊपर वाला भी दे रहा है भाई। आप कौन सा पियेंगे, कड़वा की मीठा? कड़वा पानी से आदमी ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, या तो क्लब बंद होगा या तो फिर दूसरे क्लब में ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपके लिए मैंने मिठाई मंगवाई है, आ रही है बस। आ रही है, चार बज रहा है, चार बज रहा है, चार बज गया। हाँ, डर गए, 3 बजा होगा। कड़वा पानी हम लोग लेते हैं। नीचे चढ़ाएंगे राजा भाई पहला पेज। गुलाब क्लब के दीपक भाई लड़ा रहे हैं और वाइट टी शर्ट में ये खड़े हैं प्रदीप भाई। तो देखते हैं राजा भाई अपना पहला पेज पूरा करेंगे, दीपक भाई पूरा करेंगे। हवा थोड़ी सी डाउन है और साउथ टू नॉर्थ हवा चल रही है। जगह लेते हुए नीचे से राजा भाई, ऊपर से दीपक भाई, गुलाब क्लब के मेंबर पतंग को चलाते हुए हाथ की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए बीच में एकदम जगह बना रहे हैं और जल्दी से ऊँचा कर लिया राजा ने। राजा की पतंग थोड़ी सी बढ़ है, बीच में एकदम मुद्दा बनाए हुए हैं और जगह लेते जा रहे हैं नीचे से राजा भी, और बीच में एकदम पतंग उतारा दीपक भाई ने। अंदर के मुद्दे पे पहल करके राजा ने खींचा, ताकत से गद्दा मारते हुए दीपक भाई लगातार मारते रहे, सीधी पतंग हुई और राजा भाई कट गए। एक पेज पूरा कर लिया दीपक भाई ने गुलाब क्लब के लिए। नीचे से कुणाल भाई अपना दूसरा पे लड़ा रहे हैं और ऊपर से फिर से हैं दीपक भाई, रोक के चांस दे रहे हैं अपने मेंबरों को। करीब करा गद्दा बनाया, बाहर का मुड्ढा लिया कुणाल भाई ने, उसी को लेके चले, रुक के सीधी पतंग करके देते थपकी मारे, दोनों लोग थपकते हुए लगातार, और फिर से दीपक भाई ने एक पेच काटा है और देखते हैं अपने किस मेंबर को चांस देंगे। ये टीम है, ये वीडियो बन। झुर्री भाई लड़ा रहे हैं ऊपर से और नीचे से हैं पीयूष भाई, दूसरा पेच पीयूष भाई का निकलता हुआ मुड्ढा बनाया झुर्री ने, बाहर की तरफ खींचा पीयूष भाई ने, दोनों अपनी ताकत लगा रहे हैं और झुर्री भाई ने पेच काटते हुए एक पेच अपना पूरा कर लिया है गुलाब काइट क्लब के लिए। अब ऊपर से लड़ाएंगे हमारे केतन भाई, बढ़िया पतंग लड़ाते हुए एक पेच काटा था, चांस दी थी पीयूष भाई को, फिर से लड़ाएंगे। ऊपर से मुड्ढा उतारते हुए केतन भाई, नीचे से जगह लेते हुए झुर्री रिक्शा कराते जा रहे हैं, बाहर का मुड्ढा बनाया, बाहर तब लगातार खींचते हुए सीधी पतंग उतारी, अंदर तक हल्का सा जा रही थी लेकिन कट गए केतन भाई। दो पेच पूरे कर लिए हैं झुर्री भाई ने गुलाब क्लब के लिए, ताकत का पिलाते हैं, अब की बार लड़ाएंगे कुणाल भाई कैप्टन एवन काइट क्लब के। ये रहे यंग पावर के रवि भाई, रवि भाई गेम में नहीं लड़ रहा आपका, लड़ रहा भाई यंग क्लब के, सॉरी पावर नहीं, यंग क्लब के, यंग है, यंग कैप्टन है यंग के। बीच बीच में पानी बरस रहा है, इस वजह से रुकना पड़ रहा है। ऊपर से कुणाल भाई, बूंदे गिरने लग गई हैं, मुड्ढा बनाते हुए नीचे से तिरछा कराते हुए झुर्री भाई,
बीच में एकदम मुड्ढा बनाते हुए कुणाल भाई हाथ की तरफ थोड़ा बढ़ते हुए निकलता हूँ मुड्ढा बना बाहर की तरफ पहल करके खींच रहे हैं पटकी और पतंग जा रही है रोका सीधा गद्दा मारा बाहर की तरफ मुड्ढे पे दिखा के झटके मारने कोशिश कर रहे थे रोके हुए थे लेकिन कट गए झुर्री भाई। एक पिच पूरा कर लिया कुणाल भाई ने अपने क्लब के लिए और बूंदे गिर रही हैं देखते हैं उधर कोई देखिए फिर से पानी गिरने लग गया तो इसलिए रुक रुक लाना पड़ रहा है। ये रहे प्रदीप भाई और बाकी सारे मेंबर चलो भैया सामान बढ़ाओ बारिश होने लग गई है। ओह माय गॉड बहुत कीचड़ है गिरे जा रहे हैं भाई लोग और इधर दीपक भाई ऊपर का पेच लड़ाते हुए नीचे से कुणाल भाई सीधा मुड्डा ताका से गिरते हुए सीधी पतंग उतारते हुए दीपक भाई कुणाल भाई तेते थपकी मारी और थपकी मार दी दीपक भाई ने भी और कुणाल भाई ने एक पेच फिर से पूरा कर लिया है दीपक भाई ने गुलाब क्लब के लिए। A1 क्लब के दद्दा ऊपर से मुड्डा फेरते हुए बारिश तेज हो गई है नीचे से दीपक भाई लड़ाने लग गए वैसे ऊपर से लड़ाते हैं निकलता हुआ मुड्डा बनाया जल्दी से डबल करा क्रॉस पटकी और खींचा दीपक भाई ने पतंग अंदर की तरफ आ रही है और अंदर की तरफ पतंग घूमी दद्दा की भी दीपक भाई कट गए। ये रखिए बारिश तेज हो रही और ये रहे दद्दा डबल करके काट दिया लौंडे कौन लौंडे नाम नहीं पता लौंडे का तेज होने लग गई है और एक पतंग अपोजिट टीम की थी लेकिन उतार ले रहे हैं बारिश तेज़ होने की वजह से लगता पतंग भी फट गई है तो बारिश रुकती है तो फिर कंटिन्यू करेंगे पतंग फट गई है पतंगबाजी बंद और क्रिकेट भी बंद दोनों चीज़ें बंद हो गई हैं तेज़ बारिश की वजह से सब पेड़ के नीचे और ये हमारे किसान भाई भैया बोलो गाड़ी काट रहे हैं क्या कह रहे हैं ये हमारे किसान भाई बहुत ही अच्छा शौक करते हुए अब आज तो गीला मैच होगा गीली पतंग लगेगी गीला मैच सब भैया पेड़ के नीचे आ गए अब थोड़ा बारिश रुक जाए तो देखते हैं कंटिन्यू होने की जमीन बचेगी कि नहीं क्योंकि बारिश तेज हो रही है पानी अगर भरेगा तो नहीं लग पाएगा लड़ जाएगा इस मैदान में लड़ जाएगा एक घंटा चाहे डेढ़ घंटा के अच्छा पानी मतलब सूख जाता है यहाँ सूख जाता है तेज हो गई बारिश बहुत गोमती नगर 2 नंबर और ये पन के पब्लिक के पास में बारिश रुक गई है साकिब लड़ाएंगे ऊपर से बाकी सब तैयारी लेते हुए ये रहे साकिब भाई नीचे से हैं झुर्री दादा झुर्री और लड़ाएंगे ये दूसरा पेज नीचे से परसों मंगल है ना कल मिलेगी आपको देख लीजिएगा 2-3 बजे के बाद नहीं नहीं सावन है ना खत्म है 30 वेडनेसडे को हां कल नहीं नहीं क्या भैया अच्छा प्लीज भाई सेव नहीं करा सकते कल ऊपर का पेज लगता है प्रदीप भाई लड़ाएंगे और नीचे बढ़ गए हैं साकिब साकिब का तीसरा पेज है इस पतंग से लेकिन दूसरा कंटिन्यू होगा जगह बनाते हुए प्रदीप भाई गुलाब काइट क्लब के कैप्टन बढ़िया प्लेयर प्रदीप भाई ऊपर से मुड्ढा उतारते हुए और ये रहे साकिब भाई जगह लेते हुए नीचे से बड़े आराम से 400 मीटर की रेंज और हवा बारिश के बाद भी वही टिकी रही नॉर्थ टू साउथ साउथ टू नॉर्थ निकलता मुड्ढा प्रदीप भाई ने बनाया रोका साकिब ने रोक के पट पे खींचा ताकत से गद्दा मारते हुए प्रदीप भाई रोक के तेते थपकी मार रहे हैं बाहर की तरफ ताकत लगा रहे थे साकिब खड़ गए बढ़िया पेज ये प्रदीप भाई ने मुड्ढा बदलते हुए थपकते हुए काटा और एक पेज अपना पूरा कर लिया गुलाब क्लब के लिए। नीचे से पीयूष भाई पहुँचे हैं कुणाल भाई ने 2 काटे थे पतंग अंदर के होने की वजह से हटवा दी गई और ऊपर से फिर से एक बार दीपक भाई गुलाब क्लब के मेंबर और ये सब मेंबर पतंग को लंबे करते हुए गुलाब क्लब के नीचे से ऊंचा करते हुए पीयूष भाई काफ़ी बढ़ करके लड़ा रहे हैं दीपक भाई कम कराते हुए लगातार पीयूष भाई ऊंचा करते जा रहे हैं और बीच में एकदम बढ़ करके पतंग को लगाए हुए हैं दीपक भाई धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए काफ़ी ऊंचा करके मुड्ढा दे रखा है बिल्कुल उतारने का मौका नहीं दे रहे हैं इसलिए दीपक भाई अपनी पतंग को ऊपर ही ऊपर रोके हुए हैं पतंग को उतारते हुए अंदर की तरफ एकदम बीच में पतंग को बनाया है काफ़ी बढ़ करके निकलता हुआ मुड्ढा बनाया बाहर की तरफ खींचा रोके हुए चक्कर पे निकलता बना रहा पतंग थोड़ी सी डबल के मुड्ढे पे जा रही है लग रहा है दीपक भाई की पतंग भी अंदर की है ताकत लगा रहे हैं डबल का मुड्ढा बनना अंदर की तरफ ताकत से खींचा पीयूष भाई ने और डबल के मुड्ढे पे खींचते हुए बढ़िया पेज ये दीपक भाई ने काट के एक पेज अपना पूरा कर लिया फिर से
और देखते हैं किसको चांस देंगे। झुर्री दादा ये बढ़ते हुए आगे के लिए नीचे का पे लड़ाएंगे। केतन भाई हमारे लड़ाएंगे ऊपर से। केतन भाई डर तो नहीं लग रहा? डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। कौन आ गया चाय? कौन आ गया चाय में? आज जो नितिन की चाय मैंने पी है कई सालों बाद, बहुत अच्छी थी। दूसरों की चाय कितनी अच्छी लगती है, जो पीने में मजा है वो किसी चीज में, टेस्ट अपने आप बढ़ जाता। तो चलते हैं केतन भाई का पेज देखेंगे। नीचे से झुर्री दादा पहुंच गए हैं गुलाब क्लब के लिए, और झुर्री दादा नाम से दादा हैं लेकिन हैं बहुत ही कम उम्र के। ताकत का पे लड़ाते हैं, ये देख रहे हैं पीछे। केतन भाई ऊपर से मुड्ढा उतारते हुए, रेंज 400 से भी थोड़ी ज़्यादा होगी आज। नीचे से ताकत से जगह लेते हुए लगातार झुर्री भाई गुलाब क्लब के लिए और ऊंचा करा, झोल कट गया। झुर्री भाई एक पेज पूरा कर लिया झुर्री भाई ने गुलाब क्लब के लिए। दद्दा लड़ाएंगे अब की बार, रोकने की कोशिश करेंगे दूसरे पेज पे झुर्री भाई को गुलाब क्लब के मेंबर को। ये देखते हुए पीछे की तरफ झुर्री भाई गुलाब क्लब के लिए, रेंज 400 के ऊपर ही लड़ रही है पतंगे। दौर लगातार निकालते हुए दद्दा ऊपर से मुड्ढा उतारते हुए, पतंग थोड़ी सी भारी लग रही है दद्दा की। उम्मीद है कि फंसाएंगे, कोशिश करेंगे या झटकेंगे, और जगह लेते हैं तिरछा करा रहे हैं झुर्री भाई। निकलता हुआ मुड्ढा बनाया बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए, गर्दन के पास ही अभी पतंग को बनाए हैं। रोका झुर्री भाई ने बाहर की तरफ खींचा, पूरा बाहर की तरफ खींचते बुलाया, डबल करके तेते थपकियाँ मार रहे हैं दद्दा। डोरों पर रखा तेते थपकी मारी बाहर खींच के झुर्री भाई ने भी, दोनों लोग थपकते हुए चक्कर पर डोर निकाली दद्दा ने, बढ़िया पेच काट दिया। एक पेच पूरा कर लिया दद्दा ने A1 लखनऊ के लिए। नीचे से कुणाल भाई और ऊपर से फिर से एक बार दीपक भाई गुलाब क्लब के मेंबर, बढ़िया पतंग ऊपर से लगातार लड़ाते हुए काट काट को चांस दे रहे हैं अपने मेंबरों को। गद्दा बनाया रोका, डबल करा ताकत से खींचते हुए कुणाल भाई, डबल के मुड्ढे पे लगातार खींचते जा रहे हैं और रुके हल्का सा दीपक भाई, अब की बार कट गए। बढ़िया पेच काट के एक पेच पूरा कर लिया A1 लखनऊ के लिए कुणाल भाई ने, कैप्टन A1 काट क्लब। दूसरा पेज कुणाल भाई का, जगह लेते हुए और ऊपर से अब की बार ये भाई लड़ा रहे हैं, नाम नहीं पता इनका। अंदर के मुड्ढे पे फिर से जल्दी से ऊंचा करते हुए कुणाल भाई, रखने का बिल्कुल मौका नहीं दे रहे, पहल करके अंदर के मुड्ढे पे खींचते हुए पतंग को उतारा, चमकाया, बाहर का मुड्ढा बनाया कुणाल भाई ने। बाहर के मुड्ढे पे जैसी खींचना शुरू करा गुलाब क्लब के मेंबर ने कट गए। दो पेज पूरे कर लिए हैं कुणाल भाई ने A1 लखनऊ के लिए। ये हमारे आलमबाग काइट क्लब के मेंबर गोमती नगर में टहलते हुए अजमी भाई, सुना है सोडी भाई लड़वा नहीं रहे आपको? कितना खुश हो गए। तो आइए तो लड़ाइए दो भाई। एक टीम सिर्फ लड़ती है, पहले यहाँ दो टीमें लड़ती थी, अब क्योंकि जगह थोड़ी सी कम हो गई इसलिए एक टीम लड़ती है और एक टीम इसी के पीछे 3 नंबर ग्राउंड लड़ता है, वहाँ भी पहले एक बार गेम हो चुका है। बढ़िया गेम लड़ रहा है गुलाब क्लब से, काफ़ी रेंज में 400-500 मीटर की रेंज में। ये रहे साहब गुलाब के मेंबर, अब की बार तीसरे पेज पे रोकने के लिए ये भाई आए हैं दौर निकालते हुए, और इंतज़ार कर रहे हैं तीसरी पतंग का। कुणाल भाई काफ़ी आगे की तरफ खड़े हैं, नीचे का लड़ा रहे हैं और देख रहे हैं कौन लड़ाने आया अब की बार। तीसरा पेज जगह लेते हुए ऊपर से गुलाब काइट क्लब के मेंबर, काफ़ी बढ़ करके पतंग को उतारते हुए तिरछा करा लिया फिर से कुणाल भाई ने, सीधी पतंग उतारते चले आ रहे हैं, ऊंचा करा तेते थपकी मारी, रोके हुए हैं, बाहर का मुड्ढा बनाया ताकत से गद्दा मारा बाहर के मुड्ढे पे, ताकत से कुणाल भाई भी लगातार खींचते हुए लेकिन अब की बार कट गए। गद्दा मारते हुए रोका लेकिन तार में फंस गए हैं गुलाब क्लब के मेंबर, दो चक्कर भी ले लिए पतंग ने, पतंग ढाई दे रहे हैं, तार वाले आगे बहुत ज़्यादा हैं, पतंग नहीं निकल पे आ पाई है और चली गई पतंग भाई, धा दी पतंग जिसके हाथ में थी। पेज तो ये भाई ने काटा लेकिन पतंग चली गई, रोक लिया तीसरे पेज कुणाल भाई को, कोई बड़ा स्कोर नहीं हो पा रहा। ऊपर से ये भाई और नीचे से पहुंच गए हैं कुणाल भाई। कुणाल भाई का पहला पेज, जगह लेते हुए तिरछा करा रहे हैं, रेंज वही 400 वाली, जगह लेते जा रहे हैं तिरछा कराते हुए, ऊपर ही ऊपर पतंग को रोके हुए हैं, अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए बाहर के मुड्ढे पे खींचते हुए, काफ़ी आसमान में एकदम तेज लड़ रहा है, सीधी पतंग अंदर की तरफ खींचते हुए गद्दा बनाया अपोजिट टीम के मेंबर ने, थपकी मारते हुए तेते थपका अंदर की तरफ कुणाल भाई ने, और एक पेज अपना पूरा कर लिया। कैप्टन वर्सेस कैप्टन के बीच में पेज, प्रदीप भाई आ गए हैं गुलाब क्लब के कैप्टन, नीचे से कुणाल भाई A1 के कैप्टन, दूसरा पेज लड़ाते हुए नीचे से कुणाल भाई ऊपर से प्रदीप भाई, जल्दी से मुड्ढा उतारते हुए
और ज़्यादा हाथ की तरफ थोड़ा बढ़ते हुए और जगह लेते चले जा रहे हैं प्रदीप भाई। निकलता हूँ, मुद्दा बनाया काफ़ी बढ़ करके, धीरे धीरे उसी को लेकर चलने, क्रॉस की तरफ खींचा कुणाल भाई ने, रोक के अंदर की तरफ दिखाया, रोक के सीधा करा देते, थपकी मारी और पतंग उतारी प्रदीप भाई ने, चक्कर पे कुणाल भाई ये पेच काट गए, बढ़िया पेच काट दिया, एक पेच पूरा कर लिया प्रदीप भाई ने गुलाब क्लब के लिए। नहीं, केतन भाई की तारीफ पहली हो चुकी है, अब तीसरा नंबर लगा है एवन का। ये बैग है बशीर बैग, और इधर वाली ये भी आई है, ये सेम सेम। अब क्या छह किसी और से बनवाने भेजेंगे तो वो बता देगा, आप लोग स्पेशल हैं, छह किसी और से बनवाई। कूड़े बल हो रहे हैं, अरे यहाँ से चक्का निकाली, आधी आधी कर ले, कर लिया जाए गाड़ी के दिन केतन भाई उस टाइम चढ़ा देंगे, उस दिन हो जाएगा। मगर इसकी गहराई ज्यादा, इसकी कम है, खाली हो गई, कम हो गई है ना, आपने पढ़ा लिया केतन भाई को, इसकी डोर ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए ज्यादा लड़ा गाड़ी मार दे, जाओ लाइए जगह, इसकी पकड़ के आओ, साकिब तीसरे पेज पे रोकने के लिए पहुंचे प्रदीप भाई को, ये भाई हमारे छोटू मैदान के मेंबर, चरखी दिखाते हुए, और नीचे से गुलाब क्लब के कैप्टन प्रदीप भाई, दो पेज अपने पूरे कर चुके हैं, तीसरा पेज लड़ाएंगे, पीछे की तरफ प्लेयर को ढूंढ रहे हैं जबकि प्लेयर हमारा आगे की तरफ बढ़ के लड़ा रहा है, साकिब देख रहे हैं कहाँ से लड़ रही है पतंग, ऊपर का पेज पहल करके लगता गद्दा मारे, इसलिए आगे बढ़ गए, सीधी पतंग उतारते आ रहे हैं, प्रदीप भाई रोके हैं, बाहर की तरफ खींचा ताका से गद्दा मारते हुए, साकिब लगातार गद्दा उतारते हुए रोका, चक्कर लिए, चक्कर लेके फिर से गद्दा मारा बाहर की तरफ, प्रदीप भाई भी खींच रहे हैं, गद्दे अंदर की तरफ आया साकिब का और प्रदीप भाई कट गए पतंग पेड़ के पीछे, अब देखते हैं निकल के आती है कि नहीं, और ये पतंग निकल के आ गई, रोक लिया तीसरे पेज पे प्रदीप भाई को और एक पेज पूरा कर लिया अपना साकिब ने, पतंग किसी ने लगता आगे पकड़ लिया, दूसरा पेज कुणाल भाई का, नीचे से जगह लेते हुए ऊपर से झुर्री भाई मुड्डा उतारते हुए, थोड़ा सा रेंज अब पहले से तो कम है, हवा भी थोड़ी डाउन हो रही है, जगह लेते जा रहे हैं कुणाल भाई, थोड़ा सा और डोर निकालते हुए झुर्री भाई भी पतंग को पेज पे ही लंबे करते चले आ रहे हैं, जगह लेते हुए कुणाल भाई ऊँचा करा थोड़ा सा अंदर के मुड्ढे पे पतंग को उतारते हुए, ताकत से जगह ली, काफ़ी ऊंचा करा मुड्ढा, डोर निकालते हुए लगातार झुर्री भाई बाहर का मुड्ढा लिया, खींचा रोके अंदर की तरफ पहल करके खींचा कुणाल भाई ने, उसी को खींचते चले आ रहे थे, तेज थपकी मारी और कट गया झुर्री भाई, बढ़िया पेज काटते हुए थपकते हुए दो पेज पूरे कर लिए एवन के लिए कुणाल भाई ने, केतन भाई दूसरे पेज पर रोकने की कोशिश करेंगे, और शाहिद भाई हैं शायद ये गुलाब के मेंबर, नाम भूल गए इनका, टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया पतंग लड़ा रहे थे ये खड़े हुए हैं एकदम कैमरे में देखते हुए, दूसरा पेज होगा और ऊपर से केतन भाई आगे की तरफ बढ़ के कह रहे हैं फंसा लेंगे, तो देखते हैं पेज फंस पाता है कि नहीं, क्योंकि आगे बढ़ के तो उम्मीद है कि जल्दी काट काट हो जाएगी, तो भारी पतंग केतन भाई की, जगह लेते हुए डोर निकाल के, और तो ज़्यादातर पेज 400 मीटर से थोड़ा सा ऊपर ही या 400 मीटर के करीब ही लड़े हैं सब, और थोड़ी सी हवा भी बंधी हुई आ गई है, बढ़िया पतंगें भी तनी हुई हैं, लगातार डोर निकालते हुए केतन भाई, और सब टून जो है वो गीला होने की वजह से, ये सब पानी जो पड़ा है जब पतंग कट रही है तो सब टून पानी में भीग के आ रहा है, जिससे सब टून चपचपा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, काफ़ी रेंज में पतंग है, केतन भाई भारी पतंग को अपने लिए भारी बाहर, ये आवाज़ें जो आप सुन रहे हैं क्रिकेट वालों की है, कैच वैच छूटा है इसलिए चिल्ला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत शोर है क्रिकेट वालों का भी, और जगह लेते हुए नीचे से शाहिद भाई ऊपर ही ऊपर, और पतंग पेज पे टूट गई, पेज मिल गया शाहिद भाई को, तीसरा पेज देखते हैं कौन लड़ाएगा, साकिब लड़ाते हुए नीचे से कुछ कह रहे हैं, और इधर ये भाई आ गए हैं ऊपर का पेज लड़ाने के लिए, डोर निकालते हुए थोड़ी सी, बाकी सब पतंग को लंबे कर रहे हैं, फिर से क्रिकेट बीच में होने लग गया, एवन क्लब ये पीछे खड़ा हुआ है, क्या नाम भैया तुम्हारा, विष्णु, ओफो कौन सा क्लब, कोई सा भी नहीं, ये क्लब सही है, सिंधौली जिगौली, अच्छा जिगौली, अच्छा आगे बता, तो पतंगे खूब जा रही होंगी वहाँ, तो फिर लूट उड़ के बेच नहीं रहे हो, काम छोड़ दिया, अच्छा काम छोड़ दिया यार, सही है यार, जॉब बदलती रहनी चाहिए, चलते हैं साकिब के पेज पे, नीचे से जगह लेते हुए साकिब ऊपर से एकदम करने के पास उतरते हुए अपोजिट टीम के मेंबर,
रोके हुए हैं। बाहर के मुद्दे पे साकिब ने ताकत से खींचा, बाहर के मुद्दे पे खींचते हुए अपोजिट टीम के मेंबर पट पे गई पतंग साकिब की और एक पेच पूरा कर लिया A1 के लिए। प्रदीप भाई दूसरे पेच पे रोकने के लिए आए हैं साकिब भाई को, गुलाब के कैप्टन, बढ़िया पतंग लाते हैं। जगह लेते हुए नीचे से साकिब ऊंचा करते हुए निकलता हुआ मुद्दा बनाया, प्रदीप भाई ने उसी को ताकत से भर लिया। हवा कम है इसलिए जो भी लड़ा रहा है वो ताकत का ही लड़ा रहा है और साकिब ने अंदर की तरफ दिखाया लेकिन कट गया। बढ़िया पेच काट दिया और एक पेच पूरा कर लिया प्रदीप भाई ने गुलाब के लिए। शाहिद भाई गुलाब काइट क्लब के मेंबर चार पेच काट चुके हैं नीचे से जगह लेते हुए, ऊपर से कैप्टन कुणाल भाई रोकने के लिए पांचवें पेच पे पहुंचे हैं। काफ़ी बढ़ करके लड़ा रहे हैं शाहिद भाई, धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए कुणाल भाई, बहुत बढ़ है शाहिद भाई की पतंग, बीच में मुद्दा बना रहा है पतंग कुणाल भाई की, थोड़ी बाहर की लग रही है, करीब आ रहा है तो घूम रही है अंदर की तरफ। पेच पे देखते हैं धीरे धीरे पतंग घूमती जा रही है, ऊंचा करते हुए शाहिद भाई निकलता हुआ मुद्दा बनाया, करीब करके चक्कर लिए, अंदर की तरफ पतंग घूम के आई, बाहर की तरफ क्रॉस खींचा, शाहिद भाई ने थपकी मारी, पूरी पतंग घूम के आई, थपका कुणाल भाई ने और शाहिद भाई कट गए। रोक लिया पांचवें पेज पे और एक पेज पूरा कर लिया कुणाल भाई ने अपने क्लब A1 के लिए। आखिरी के कुछ पेज और हैं, साकिब भाई लड़ा रहे हैं और ऊपर से आ गए हैं ये भाई रोकने के लिए साकिब भाई को, और रेंज अभी भी वही 400 वाली लड़ रही है। बीच में एकदम उतारते हुए थोड़ा सा कम करके पतंग को, काफ़ी बढ़ करें भाई साकिब बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए, तिरछा करा के काफ़ी जगह ले लिया, अब थोड़ा सा हवा जो है वो राइट पे दब गई है तो एंगल जो है वो अच्छा बन रहा है A1 काइट क्लब का। अंदर के मुद्दे पे ऊंचा करते हुए लगातार अंदर के मुद्दे पे खींचते जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर करके रेंज को कम कराते हुए गुलाब क्लब के मेंबर। काफ़ी रेंज कम हो गई है, ऊपर ही ऊपर करके रेंज को लगातार अभी भी कम करा रहे हैं, धीरे धीरे पतंग को उतारते हुए बीच में बढ़ते हुए लगातार बीच में बढ़ते आ रहे हैं, बाहर के मुद्दे पे खींचते हुए साकिब A1 के मेंबर रुक गए फिर से पतंग को उठाते हुए। और ये थोड़ी कुड़कुड़ भाई मैच वालों की हो रही है, उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, रन आउट की वजह से कुछ फैसला नहीं निकल रहा उनका भी। करीब करा गुलाब क्लब के मेंबर ने ताकत से कदम बनाया, बाहर के मुद्दे पे ताकत से साकिब भी खींचते हुए काफ़ी बड़ पतंग और साकिब कट गए। एक पेच पूरा कर लिया है गुलाब राइट क्लब के मेंबर ने, ये रहे भाई बढ़िया खींचा गद्दा मार दिया और देखते हैं अब कौन लड़ाएगा ऊपर से A1 के लिए। केतन भाई लड़ाएंगे ऊपर से, अब की बार केतन भाई हमारे क्लब के नए मेंबर, ना मिठाई खिलाई चाय में तो नहीं आए पहले दिन और ना ही कोई ना तो कोई दावत चाय में तो नहीं आए वो आपने छेने वाली मिठाई जो मंगाई थी हाँ पानी चला गया जीजान भाई को मिल नहीं भाई, लेकिन हम कह रहे हैं बाइक में कहीं हुई थी रवि भाई, जैसे आज हम लोग पहले दिन आए हम और आप, हमारा भाई चाय में क्यों आ गया, वो सोच रहे थे ना कि मिठाई गीली हो गई तो चाय पत्ती और चीनी और लाती हम कह रहे हैं राजा भाई अच्छा देखो अच्छा ये बताओ, हम कह रहे मिठाई गीली हो गई थी तो गायब थोड़ी ना हो जाएगी पानी लग के, दिखना तो चाहिए मिठाई जमीन पे आ गई थी ना, अच्छा फेंक चाशनी बची थी। अच्छा अच्छा भाई देखिए दोनों भाई ये भी भाई हमारे इसलिए इसलिए तो मेरे साथ है और कहाँ गए कौन लड़ाएगा ऊपर का पेज, और ये केतन भाई पहुंच गए चरखी लगाते हुए और दूसरा पेज होगा नीचे से गुलाब क्लब के मेंबर का। केतन भाई बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए जल्दी से ऊंचा करा केतन भाई ने, उसी मुद्दे को लेकर चलने तेज तेज थपकी मारना शुरू कर दिया, निकलता हुआ खींचा अपोजिट टीम के मेंबर ने और कट गए। बढ़िया पेज है केतन भाई ने काट दिया, सब मेंबर धीरे धीरे जाते हुए। आखिरी पेज आज के दिन का A1 वर्सेस गुलाब के बीच में, ऊपर से गुलाब के मेंबर और प्रदीप भाई खुद आज के दिन कैप्टन आखिरी पेज लड़ा रहे, गद्दा बनाया अंदर की तरफ खींचते हुए केतन भाई और अंदर की तरफ पहल करके खींचा, इतना पीछे पड़ रहे हैं केतन भाई, तेज तेज थपकियाँ मार दी और प्रदीप भाई कट गए। दो पेज पूरे कर लिए हैं केतन भाई ने, गेम यहाँ पे एंड हो गया है, रात में दिख रहा है केतन भाई को। रवि भाई आप लड़ाएंगे, रवि भाई लड़ाने जा रहे हैं और आखिरी पेज होगा ये, और रवि भाई वैसे A1 में आ गए तो A1 वर्सेस A1 के बीच का पेज है, बस में आखिरी पतंगें लड़ रही हैं, सीधी पतंग उतारी डोर पे रखा तेज तेज सीधा करके थपकते हुए चक्कर पे डोर निकाल रहे हैं केतन भाई, कोई काट काट हो नहीं रही है और ज़्यादा जगह लेते हुए ताकत से खींचना शुरू कर दिया, काफ़ी पीछे भी पड़ रहे हैं केतन भाई लगातार खींचते हुए, केतन भाई बड़ पतंग से और रवि भाई हाथ की तरफ बढ़ते हुए, बहुत बड़ है केतन भाई की पतंग
करीब करा चक्कर लिए निकलता हूँ मुड्डा बनाया भागता पता निकली भागता तेज थपकिया मार रहे हैं लगातार केतन भाई लेकिन कट गए उतारो भैया बढ़िया ये पेज काटा और पतंग उतारो रात भर हम लोग जा रहे भैया रात भर उतारते रहना बाय बाय गेम एंड